स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों और कोशिशों पर धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जांच के नाम पर मरीजों से लूट खसोट, अस्पताल के बाहर की कमीशन वाली दवा लिखना और मरीजों के साथ अभद्रता मानो आम बात हो चुकी है। इन तमाम गड़बड़ियों को बखूबी देखा जा सकता है चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा स्थित जिला अस्पताल में, जहाँ तथाकथित धरती के भगवान कमीशनबाजी और बेबस मरीजों से लूट का कारोबार बार खुलेआम संचालित कर रहे हैं। ओपीडी के समय दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मीटिंग करना और मरीजों को ना सिर्फ बाहर से महंगी जांच करवाना बल्कि कमीशन वाली दवाएं भी बाहर से मंगवाने के लिए मजबूर करना बांदा के इन सरकारी चिकित्सकों का शगल बन चुका है। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। कहाँ से आए हैं? जिला इतने दूर से इलाज कराने आए? किस समस्या का इलाज कराने आए थे आप? मेरी दादी के पैरों में दर्द और जलन होती है। क्या उम्मीद लेकर यहाँ आए थे जिला अस्पताल? उम्मीद लेकर आए थे कि सर अच्छे से इलाज होगा, सारी दवाएं अवेलेबल होंगी। यहाँ अभी अधूरी दवाएं मिलती हैं, कुछ बाहर से लेनी पड़ती हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। किस रुपए की दवा बाहर से लेकर आए? बाहर की दवाइयाँ किसने लिखी? डॉक्टर साहब, यानी कि अंदर के लिए उन्होंने लिखी लेकिन मेडिकल में अवेलेबल नहीं है तो मुझे बाहर से लानी पड़ी, फिर उन्होंने बाहर के लिए रेफर किया। बाहर के लिए पर्ची दी होगी? हाँ। किस डॉक्टर ने? डॉक्टर मोहित। मोहित किस विषय के डॉक्टर है? हड्डी के? हाँ, हड्डी विषय। हड्डी विषय से। तो आप बाहर से कितने रुपए की दवाइयाँ लेकर आए? 650। 650। बड़ी परेशानी हुई हो? मरीजों की शिकायत भी जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने बेकार साबित होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हाथों में दवा और डॉक्टर का पर्चा लिए लोग खड़े हैं वो परेशान हाल तीमारदार हैं, जो डॉक्टरों की कमीशन बाजी से जूझ रहे हैं। इनके मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं या ये अपनी मरीज को जिला अस्पताल के डॉक्टर से इलाज कराने के लिए लाए हैं, लेकिन उनके तीमारदारों को यहाँ के डॉक्टर दवाओं का पर्चा पकड़ा देते हैं और उन्हें बाहर मेडिकल स्टोर से लाने को मजबूर किया जाता है। ज़्यादातर तीमारदारों को जिला अस्पताल के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर में दवा के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टरों के रवैये से परेशान मरीज और तीमारदार लगातार शासन प्रशासन से अपनी फरियाद कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब आप इन तस्वीरों में देखिए कि जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप ने इन शिकायतों की जांच करने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जिला अस्पताल भेजा और आप ये देख सकते हैं तस्वीर में कि जांच अधिकारी महोदय अपने लाभ लश्कर के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके आगे पीछे तो अपने आप को मरीज नहीं सिर्फ स्टाफ और दवा प्रतिनिधियों के दलाल ही नजर आएंगे। मजिस्ट्रेट के निरीक्षण में सब कुछ बढ़िया है, हालांकि जमीनी हकीकत बद से बदतर जिला अस्पताल की हो चुकी है, लेकिन जांच अधिकारी जांच के नाम पर हमेशा की तरह अस्पताल का सामान्य निरीक्षण कर रस्म अदायगी करके चले जाते हैं। जिला अस्पताल में लगातार बाहरी लोगों का आवागमन लगा होता है, उन बाहरी लोगों का संपर्क रहता है, डॉक्टर क्यों नहीं पर रखा? देखिए, जिला अस्पताल के मुद्दे पर हम लोग विगत 4 सालों से, इसके पहले अभी त्रिपाठी सीएमएस के पहले जो सीएमएस थे उनसे हमने शिकायत किया था कि जो उक्त डॉक्टर की शिकायत आई है, हमने बताया था कि यहाँ पर उनके रिश्तेदार बैठते हैं, हमने खुद देखा था। उसके पहले भी कई डॉक्टरों की हमने शिकायत किया कि बाहर से जांचें और बाहर से दवाई लिखी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल उनको स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण देने से किसी भी डॉक्टर के ऊपर कोई हद तक अंतर नहीं आया। क्या लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश भी किए थे कि बाहरी व्यक्ति की गतिविधियों पर उनकी तत्काल FIR की जाएगी, वो आदेश का अनुपालन हो रहा है जिला अस्पताल में? सरकार के किसी भी आदेश का अनुपालन मुझे तो नहीं लगता कि बांदा के जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर में हो रहा है। बेचारा गांव से जो मरीज आता है वो अपना इलाज कराने आता है कि मेरा जिला अस्पताल में डॉक्टर है, अच्छा इलाज होगा, सभी जांचें फ्री में होंगी, सभी पैसा नहीं लगेगा। जब वो यहाँ पर इलाज कराने आता है तो वो लूट सा जाता है। यहाँ के डॉक्टर अपना बाहर प्राइवेट खोले हुए हैं, क्लिनिक खोले हुए हैं, उनके लोग, उनके रिश्तेदार उन मरीजों को वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर उनसे लूट करते हैं, पैसा लेते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चुनाले है।